रहा है तू? ए, तू मेरे को मत बता। डेडलिफ्ट की बेल्ट तूने उल्टी पहनी हुई है। तू ना पहले मेरे से ऊंची आवाज में बात मत कर सबके सामने अपनी ना ये हेमरॉइड ठीक करके आ जा पहले। हेमरॉइड नहीं डेल्टॉइड है, हेमरॉइड होते हैं पिछवाड़े के फोड़े। पहले बेल्ट सीधी कर। यार ऐसे सबके सामने मत कर यार। सबके सामने मत कर यार। ये ले कर लिया। क्या कर लेंगे बता। डेडलिफ्ट खराब कर दिया फालतू में। अभी उठा के दिखा दूं तेरे को ऐसे। चल कंपटीशन हो जाए। कंपटीशन हो जाए चल। अबे कहाँ गिर गया? अबे ये ले उठा लिया। रैपू मार। उठाने की बात हुई थी करने की बात हुई। साले लल्लू पिछले डेढ़ महीने से दो किलो से ज्यादा तेरे से वेट उठ नहीं रहे। ऊपर से स्क्वाट कर। तेरा ये देख ग्लूट बिल्कुल खुश होया है। ऐसे होने चाहिए मसल वाले सॉलिड। दिखाइयो। तू हट साला। हर जगह ठरक मची रहती है। ताकत तो है नहीं। माँ पे भी तेरा पीठ में बल पड़ जाता है। शीला जी दिखाया कर। कर तो रहा हूँ यार। यार इतना तेरा शक्ल ऐसी भुकरो वाली ना। मन करता चौंडा लगा लू सारी किक बॉक्सिंग तेरे भी प्रैक्टिस करूंगी। कर रहा हूँ ना मैं कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट करता है मेरा। कैसा सा ये कहाँ से फंस गया तू? बेटा तू वॉच में कर ले। ऐसी चेस्ट की एक्सरसाइज करके दिखाओ ना तुझसे भी नहीं होने वाली। भाई ये बाइसेप की है और ये ना दो किलो का डंबल 15 साल के छोरे कर लेते हैं। स्टेरॉइड भी नहीं होता है। ताकत होती है उनमें। अबे चल ताकत मेरे में है। 10 अंडे खाता हूं। हां सारे तेरे पॉटी में निकल जाता है 10 अंडे। शरीर पे तो कुछ ना लगा तेरे। मैं इतनी ताकतवर हूं तू कैसे बन गया मेरा बॉयफ्रेंड? देख तूने आज मेरी जितनी ईगो हर्ट करी है ना मैं तेरे से नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता तेरे। ब्रेकअप कर रहा हूं मैं। तू ना रेड फ्लैग है मेरे लिए। अच्छा उसी रेड फ्लैग पे ना रचना ने अंडरवेयर बनाया था जो तूने अपनी गाड़ी में रखा था। और मुझे पता तो यहां पे क्यों आता क्योंकि रचना यहां काम करती है। अबे रचना कहां से आ गई यार? ये टाइम कोऑर्डिनेट क्यों करता है? रचना तू आ गई। तेरे को पता ना हम यहां पे तो क्यों मंडरा रही है यहां पे? रचना मेरे तेरे को व्हाट्सएप भी किया था कि मेरे से फोन पे बात करा कर बस। वाह 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 रचना क्यों आ रही है इसके पीछे क्यों मंडरा रही है? ये लगता मसला है पर है सब पक्का। तेरे को पता मैं रेड अंडरवियर क्यों नहीं पहनती? क्योंकि तेरे पीछे सांड पड़ जाएंगे तेरे पहले तो। देख तेरे ने ना रेड अंडरवियर की अहमियत मुझसे ज्यादा है तो मान ले ये बात। आज रचना मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। रचना 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 मंकू सॉरी आई एम लेट। कोई बात नहीं। पापा कहां है? देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे सर स्ट्रेचिंग करा दो। मैम ऐसे करिए। मैम ऐसे करिए। मैम मैं क्या कह रहा हूँ नेक्स्ट से शुरू करते हैं ठीक है। आप सीधे देखो सीधे देखो सीधे देखो इधर देखो। हाँ मैम आप सामने देखो आईज क्लोज। हाँ जी पापा सिखा रहे हैं। हाँ हाँ इधर देखो उधर देखो। भैया कैन यू प्लीज पास मी द डंबल। यस मैम। मेरे इतने मसल दर्द हो रहे हैं। मैम कौन से मैम? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। हाँ तो मैम हम क्या करेंगे जब आप इनको पास लाओगे तो आप मुझे किस करोगे? नहीं मतलब मुंह इधर करना है सर। किस पोजीशन होती है वो कि किस पोजीशन में करना है? तो इस पोजीशन में करना है। 1 2 3 किस पोजीशन? हिप। ओहो ओहो सर मैम को लग गई तो नहीं। आपकी प्रोग्रेस तो बड़ी अच्छी है सर। मुझे भी ना ऐसे वाले मसल चाहिए। और ऐसे वाले। देखिए मैम आर्नोल्ड सुभाषनगर सर ने बोला था कि फिटनेस स्टार्ट इन बेडरूम। तो मेरी भी चेस्ट और ऐसे। हाँ हाँ ऐसे हो जाएंगे। ऐसे बैक देखो जरा ये देखो बैक बड़े टाइट हो गए हो तुम मंकू। है जिम आपका मतलब मजा नहीं आया सर। टीआरएक्स कराते हो आप? वो एक्चुअली है क्या मुझे ना 2 हफ्ते बाद अपने भाई की वेडिंग गोवा जा रहे हैं हम। गोवा हाँ। तो मुझे ना एब्स चाहिए और कॉलर बोन चाहिए तो इसको बिकनी बॉडी बनानी है। मेरे को भी थोड़ा ना फ्लैट। हाँ मतलब शादी के बाद थोड़ा सा इनका फैट थोड़ा सा हो गया। एक कपल पैकेज ऑफर कर दो उसमें ट्रेनर भी होगा कि नहीं होगा? अरे जो पैकेज होता है। अरे मैं जा चुका बहुत जिम जा चुका हूँ मैं। और सर एक्सरसाइज ऐसे कराना है कि जिसमें ना हम डाइट नहीं करें। बट देखिए पंजाबी फैमिली है अभी अभी शादी हुई है तो अभी हमें डिनर विनर पे जाना है लंच पे जाना है। मम्मी संडे ठंडे छोले भटूरे बना देती है तो फिर मना करेगी तो फिर थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो आप ना प्लान ऐसे बनाना जिसमें चॉकलेट भी इंक्लूड कर दो। हाँ, आप एक होती है हाई कैलोरी डेफिसिट शुगर का इंक्लूजन करके रखना है। मैं शुगर नहीं छोड़ सकती। आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये डाइट वाइट तो सारा मार्केटिंग का खेल है। देखो ये शोशाबाजी है। और जैसे अगर हम पैसे देके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर हम डाइटिंग क्यों करें? एग्जैक्टली आप जिम का बात बताइए ना। हम बात बताएं ना बताएं वेट लॉस दिखना चाहिए। दिखना चाहिए और एक वो वर्कआउट होता है ना जॉ लाइन थोड़ी निकल आती है ऐसे तो वो भी करवा देना। अब देखिए न्यूली मैरिड है अच्छी फोटो आनी जरूरी है तो अभी टॉपलेस वॉपलेस होंगे मतलब नहीं ये नहीं होगी टॉप तुम तो नहीं होगी ना टॉप। नहीं मैं बिकनी पहनूंगी। ये डंबल अंबल नहीं उठाती। रिस्ट में इंजरी हो गया था। मैं उठा लूंगा डंबल 5 किलो तक मैं को आप जितने डंबल दोगे। मैं मुझे अपने हस्बैंड की खुशी के लिए अपनी फिगर तो मेंटेन करनी है। ही लव ईच अदर। देखिए कोई एक महीने की बात नहीं है हम ज्वाइन करेंगे तो हम कम से कम 6 महीने का करेंगे क्योंकि अब देखो अब क्या है कि डैडी का बिजनेस हो गया ठप तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ना अपना आईडी भी खोल दिया लव मेरा फिटफिट। तो हम इतने मोटिवेट हो चुके हैं बस हमको अब थिन होना है। आपने टप्परवेयर वाली डील नहीं करी जो आंटी आके करती है घर में? हम भी वही करेंगे ना। फिर आप हमको अच्छा ऑफर दो पर हम लोगों को जाके बताएंगे कि यहाँ पे आओ। और बात बताओ आप प्रोटीन शेक हमें ऑन द हाउस दोगे कि नहीं दोगे? ऑब्वियसली देंगे भाई। तो कह रहे नहीं देंगे प्रोटीन शेक नहीं दोगे तो बॉडी कैसे बनेगी ना। आप हमें रेट बताओ 1000 3 मंथ का बताओ पर पर्सन।
नहीं नहीं नहीं, आगे पीछे की जिम भी देखो ना, सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा है। न्यूली वाइट कपड़े जहाँ जाएंगे वो ले लेंगे हमको, अभी मुझे है लग ना। रहा है मैं सच्ची बता रही हूँ ना, यहाँ चेक कर लेते ना थोड़ा। आप मेरा नंबर नोट कर लो, हम बस अभी यहाँ से सब्जी खरीद के आ रहे हैं बस थोड़ी सी, फिर आके हम बता देंगे। हाँ, एटीएम से भी पैसे निकाल लेंगे, कैश दे देंगे, टैक्स भी नहीं लगेगा। हाँ चल, बगल वाला जिम देख लेते हैं। ठीक है। Hey guys, we hope you enjoyed watching this video and if you did, तो इसको like करो, इसको अपने दोस्तों के साथ share करो और comments में tag करो all the gym goers and don't forget to subscribe to iDiva. और हमें comments में बताओ next types of couples video किस चीज़ पे बनाए। Hit the bell icon and get notified every time we post a new video.